अपने साथ ही सफाई कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा को वापस लिए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ द्वारा विकास भवन परिसर में दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह, लालजी गौतम, राजू सिंह, नरेंद्र कुमार, राजेंद्र प्रसाद, पिंटू कुमार सहित संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने कहा, हम क्रांति सिंह प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी। हमारा उड़वा ब्लॉक का सफाई कर्मचारी आदित्य सिंह जो निर्दोष है, जिसको एडीओ पंचायत ने अनायास रूप से, दुश्मनी किसी और से उनकी थी, क्या मामला था ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने को बचने के लिए, सफाई कर्मियों को बदनाम करने के लिए सफाई कर्मचारी का नाम लगा दिया कि विकास भवन में सफाई कर्मी ने हमको मारा। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है, जो पुलिस विभाग द्वारा जो जाँच की गई है, अभी अभी सफाई कर्मचारी संगठन हम और अखंड प्रताप सिंह आदरणीय सीडीओ साहब से भी मिले, एसएसपी से भी मुलाकात हुई, डीएम साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन जो जांच पुलिस विभाग की आई उसमें आदित्य सिंह, जिस समय विकास भवन में घटना घटी, तमाम सीसी कैमरे ये बता रहे हैं कि आदित्य सिंह उस समय उड़वा ब्लॉक में थे, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे साथी के ऊपर 307 का मुकदमा लगा के उसे जेल में डाल दिया गया है। हम मीडिया के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से, हमारे निर्देश साथी के ऊपर से सारे मुकदमे हटा करके उसको बरी किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन लगातार जारी है। आदरणीय सीडीओ साहब से बात हुई और परम आदरणीय खजने के विधायक जी अभी हमारे बीच में आए थे, वो अभी उन्होंने भी समर्थन किया कि मैं आपके इस मुद्दे को लेकर, कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर के आदित्य सिंह के पक्ष में मैं आदरणीय डीएम साहब और सीडीओ साहब से मिलकर के, पुलिस विभाग के आला अफसरों से मिलकर के मैं इस पर कार्रवाई करवाता हूँ और आपके पक्ष में न्याय मिलेगा।